बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिहारी पसंदे। सबके अलग अलग पसंदे होते हैं, हैदराबादियों के अलग होते हैं, बिहारियों के अलग, और बिहारियों की रेसिपी बहुत मज़े की होती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने बीफ के 1 किलो पसंदे लिए हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से कट करवा लिया था। देखें, इस तरह इसको मैंने कट करवाया है और उसको मैंने फिर हल्का हल्का इसको मैंने टक भी लगा लिया है ताकि बहुत अच्छी तरह से गल जाए। देखें, इस तरह हमने इस फॉर्म में कटवाने हैं इस पसंदों को। आप बाज़ार से कटवा लें तो बहुत अच्छा है, घर में मुश्किल होती है। वैसे अगर घर में भी काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में होना चाहिए। पसंदे जो होते हैं इस तरह होते हैं। ये मैंने 1 किलो के जितना गोश्त लिया है। ये देखिए, मैंने इसका बाउल चेंज किया है क्योंकि वो बाउल छोटा हो गया था और गोश्त ज़्यादा था, तो मैंने बड़ा बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैंने ये 2 प्याज ली है, उसको मैंने बहुत बारीक सा पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया 2 प्याज का। इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बगैर पानी के पीसेंगे ताकि इसमें पानी ना हो। ये मैंने 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें भी मैंने बगैर पानी के पीसा है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच चाय वाला जो था वो मैंने नमक लिया है। वो तो टेस्ट के मुताबिक हम कम टेस्ट करके हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ लिया है और आधा ही चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है। ये मैंने दही लिया है, ये आप 4 से 5 टेबल स्पून डाल सकते हैं। ये मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच तेल लिया है, वो भी इसमें जाएगा, सारा तेल इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हम इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे कि सारा मसाला इसके अंदर मिल जाए। आप मुझे बताएं कि आपके घर में कौन कौन पसंदे शौक से खाता है, या आप किस तरीके से बनाते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। ये मैं बिहारी स्टाइल के बना रही हूँ पसंदे। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, या आप लोग किस तरह बनाते हैं, आपके घर में कौन कौन पसंदे शौक से खाते हैं। मेरे घर में सब शौक से खाते हैं पसंदों को। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब हम तकरीबन इसको 6 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे। और अगर आप रात में ये लगा लें मसाला और रात भर के लिए रख दें तो सुबह बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सुबह भी लगा सकते हैं और 6 घंटे के बाद इसको फिर हम तैयार करेंगे। ये देखिए, इन पसंदों को 6 घंटे हो चुके हैं मसाले लगे हुए। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि इसके अंदर पहले से ऑयल मैंने डाला हुआ है। अब हम इस पसंदों को पतीले में डाल देंगे। इसमें अब पानी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें दही भी डला हुआ है, गोश्त का पानी होता है, इसकी वजह से इसमें पानी नहीं जाएगा, ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। इसको हमने हल्की आंच पे रखना है। ये देखिए, मैंने सारा गोश्त इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको बहुत हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि जो हमने दही लगाया था और जो गोश्त का पानी होगा वो इसमें निकल उसी में गोश्त गल जाएगा। अब हम इसको ढककर हल्की आंच पे रख देंगे। अब हम चेक करेंगे कि गोश्त गल गया। देखें, गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है गोश्त, और इसकी हमने बहुत अच्छी तरीके से भुनाई भी कर दी है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है इसलिए हम इसमें ऑयल नज़र नहीं आएगा, लेकिन जितना था उसमें देखें हल्का हल्का सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। और ये देखें, बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। हमने इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं डाला है क्योंकि दही और गोश्त अपना पानी छोड़ता है, और वैसे ही हमने इसको 6 घंटे के लिए रख दिया था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।